हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में फिर से मैं लेकर आया हूँ करंट कह रहा हूँ एरर के क्वेश्चन, फिलर के क्वेश्चन, एंडोसैनो, पीक्यूआरएस, जैसे कि आप एबीसीडी के फॉर्मेट में आता है, फिलर जैसे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जिसमें कि आपको एक्टिव पैसिव भी होंगे, नरेशन मीन्स कि इनडायरेक्ट डायरेक्ट वाले क्वेश्चन भी होंगे। तो सारे फॉर्मेट एक ही मैं वीडियो में लेकर आया हूँ, तो टिल लास्ट तक आप देखते रहेंगे, समझे? तो बात समझिएगा यहाँ पे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यहाँ पे आपको वो हर टॉपिक मिल रहा है एक ही वीडियो में। मैं फिर से मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे एंटो, साइनो दो टॉपिक मैंने बताया कि कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, पी क्यू आर एस जो कि अब ए बी सी डी के फॉर्मेट में आने लगा है, ठीक है। फिर उसके बाद मैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट में बताऊँगा, फिलर भी मैं बताऊँगा, ठीक है। फिर एक्टिव पैसिव से रिलेटेड जो है एक्टिव पैसिव वाले क्वेश्चन में मैं बताऊँगा, ठीक है। फिर आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाले भी क्वेश्चन मैं बताऊंगा, ठीक। फ्रेज भी मैं बताऊंगा। इस तरह के कितने टॉपिक हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 आठ टॉपिक से मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है। एरर मैंने बताया कि नहीं? अच्छा, एक एरर भी छोड़ गया, एरर वाले भी 8, एक 9 टॉपिक। कितना टॉपिक हो गया? 9 टॉपिक के क्वेश्चन लेकर मैं आप लोगों के साथ आई। इसमें एक ओ डब्ल्यू एस भी ऐड कर लें, मीन्स की ओ कम्प्लीट 10 टाइप्स के क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा भाई। आप ऐसा नहीं कि वीडियो थोड़ा देखकर आप लोग स्किप करके भाग जाते, चीज़ें समझिएगा। और ऐसे एक ही वीडियो नहीं मेरे पास, हमारा वीडियो हमारे चैनल पे वीडियो को प्लेलिस्ट में जाइए, आपको कम से कम अभी 15 से प्लस वीडियो आपको मिलेंगे इससे रिलेटेड। बाकी प्रीवियस ईयर का और भी क्वेश्चन आपको दूसरे प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे। तो फर्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन मैं शुरू करूँगा आपको एंटोसैनो से, हालांकि इसके बाद ए बी सी डी अरेंजमेंट वाला ही क्वेश्चन है, ठीक है। एंटोनिम, एंटोनिम्स जानने के लिए भैया मैं आपको सबसे पहले चूज करना होगा, आपको वर्ड पावर बढ़िया करना होगा। वर्ड पावर मीन्स कि एवरेज भी रखेंगे, हो जाएगा। कंटिन्यू आप प्रैक्टिस करते हैं, चीज़ें हो जाएंगे। इनऑर्डिनेट, इनऑर्डिनेट का मतलब होता है क्या, पहले ये समझिएगा। इनऑर्डिनेट है ना, इनऑर्डिनेट का मतलब होता है अत्यधिक। नोट भी कर लीजिएगा, मीन काफ़ी काम आने वाला अत्यधिक, ठीक है। तो अत्यधिक हो गया, तो इसका जो एंटो का वो क्या होगा, कम होगा। कम का मतलब कि जैसे अगर प्राइस की बात करते हैं तो अत्यधिक प्राइस होता है, या एक होता है प्राइस के सेंस में तो रिजनेबल प्राइस, मीन्स कि कम के सेंस में ये हो जाएगा, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये कम हो जाएगा। अगर आप मीनिंग अत्यधिक और भी साइनों पर देखते हैं, इसका अगर साइनों देखना चाहते हैं कि इनऑर्डिनेट का और भी साइनों क्या होता है, अनड्यू भी हो जाएगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है ना, यहाँ पे देख रहे हैं ना, अनड्यू जो लिखा हुआ है, या छोड़ो इतना क्यों, इसका मतलब भी अत्यधिक होता है, इसका मतलब भी अत्यधिक, एक्सट्रीम का भी मतलब अत्यधिक, और एक्सॉर्बिटेंट का भी मतलब अत्यधिक। तो यहाँ से आपने तीन वर्ड के बारे में और सीख लिया। एक्सट्रीम तो पता ही होगा आप लोगों को, एक्सट्रीम मतलब ज़्यादा अत्यधिक होता है, लेकिन अनड्यू, UNDUE का मतलब भी होता है अत्यधिक, एक्सॉर्बिटेंट का भी मतलब होता है अत्यधिक। और ये दोनों जो मैं यहाँ पे वर्ड इसलिए मैं बताऊँ कि ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये आस्क्ड है क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन पहले भी क्वेश्चन के फॉर्मेट में आ चुका है, इसलिए मैं आपको बताया हूँ, क्लियर। चलिए, अब रॉन्गली स्पेल्ड का क्या मामला है? तो रॉन्गली स्पेल्ड का मतलब ये आपको यहाँ पे सिखाता है कि भाई आप जो भी वर्ड लिख रहे हैं वो करेक्ट लिख रहे हैं, ठीक है। तो करेक्ट वर्ड से आपको फ़ायदा क्या होगा? करेक्ट वर्ड से आपको फ़ायदा ये होगा कि आप एरर वाले क्वेश्चन में आपको काफ़ी मदद मिल सकता है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं और उसमें रॉन्ग वाले वर्ड ढूंढना होगा। तो क्यूरियस का मतलब तो पता है भाई क्या होता है, क्यूरियस का मतलब होता है जिज्ञासु, जिज्ञासु। और इसका मीनिंग यहाँ पे वर्ड जो है आप देख रहे होंगे कि CURIOUS है, करेक्ट है, ठीक है, ये तो करेक्ट है। कर्स कौन, CURSE, कर्स, कर्स का मतलब होता है श्राप, ठीक है, ये भी सही है। करी, करी मतलब करी या खाने वाला करी, या फिर कड़ी पत्ता के सेंस में, ये भी सही है। तो रॉन्गली स्पेल्ड पूछा गया तो इसका करेक्ट आंसर ये होगा, सी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा, होगा क्या भाई, कर्सरी, ठीक है, CURSER, ई की जगह पे वाई होगा, कर्सरी। कर्सरी मतलब सरसरी, निगाहों से देखना के सेंस में होता है, ठीक है, सरसरी, इसकी हल्के फुल्के में देख लेना। चलिए, अब यहाँ पे क्वेश्चन जो आ रहा है वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे है क्या भाई, आपको ए बी सी डी अरेंजमेंट वाला कर रहा है ना क्वेश्चन, है ना, देख लेते हैं। ए बी सी डी अरेंजमेंट वाला ही था, हाँ ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन छूटा हुआ है, ऑप्शन छूटा हुआ है, कोई बात नहीं, अगर ऑप्शन आएगा तो आप कर लेंगे, है ना, यहाँ पे ऑप्शन छूट गया है। तो देखिए, ऑप्शन के अगर अकॉर्डिंग यहाँ पे मैं ऑप्शन भी लिख देता हूँ, ऑप्शन क्या है, देखिए ऑप्शन है CBAD, ठीक है। फिर दूसरा जो ऑप्शन है DCAB, तीसरा जो ऑप्शन है BCDA, और लास्ट का ऑप्शन है ए
बी सी डी। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में आपको अप्रोच क्या लेना होगा, अगर फर्स्ट का टू मिल जाए, लास्ट का एंड वाला मिल जाए, या कहीं से भी एक कपल बन जाए, एक पेयर बन जाए, बस वहाँ से भी आप इसको कर सकते हैं। तो देखिए होता है कि यहाँ पे आप कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन में, अगर आप सेंटेंस देखेंगे तो थोड़ा बहुत आप क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे पढ़ने का, छोटे मोटे जो आर्टिकल्स उसको पढ़ते रहेंगे, इससे चीज़ें आपको क्या होगा कि पढ़ने की हैबिट हो जाएगी। इन द ओपनिंग सीन द यंग बॉय पीप मेट्स एंड एस्केप कन्विक्ट इन ग्रेवयार्ड। तो यहाँ से तो बात हो नहीं रहा है, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी देखिए यहाँ पे बात हो चुका है कि एक ऑर्फिन था जिसका नाम था पीप, और उसी पीप के बारे में, उसी पीप जो एक लड़का का नाम था द यंग बॉय, इसी यंग बॉय के बारे में बताया गया। तो आखिर सी बात है कि डी के बाद तो ए आना ही है, डी के बाद तो ए आना ही है ना। इन डेपिक्स द पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्फन नेम्ड पाइप, पाइप या पीप जो बोलिए, ठीक है। इन द ओपनिंग सीन्स द यंग बॉय, वही यंग बॉय के बारे में बात हो रहा है, तो ये तो डी ए का कॉम्बिनेशन हो गया। अब आके देखते हैं, देखिए सबसे पहले सेंटेंस ढूंढना होगा इंडिपेंडेंट वाला, तो इन द ओपनिंग तो होता नहीं, द नोवल से ये पता चल रहा है, और ऑलरेडी एक नोवल पहले से लिखा गया है, ए नोवल के बारे में बात किया गया, तो इनडेफिनिट आर्टिकल है, इनडेफिनिट आर्टिकल को कौन रिप्रेजेंट करेगा, डेफिनेट आर्टिकल करेगा, है ना। तो इसी नोवेल के बारे में यहाँ पे चर्चा किया गया, तो जाहिर सी बात कि बी के बाद आएगा सी, है ना। तो देख रहे हैं ना कॉम्बिनेशन कैसे बन रहा है। ग्रेट एक्सपेक्टेशन इज अ नोवेल बाय चार्ल्स डिकेंस, ठीक। तो यहाँ पे बात किया जा रहा है कि जो चार्ल्स डिकेंस के द्वारा कि जो यहाँ पे नोवेल लिखा है जिसका नाम ग्रेट एक्सपेक्टेशन, उसी नोवेल के बारे में बात किया है कि द नोवेल इज सेट इन केंट एंड लंडन इन द अर्ली 19th century। एक उसमें जो नोवेल में लिखा गया कि जो नोवेल स्टार्ट होता है वो केंट और लंदन में जो अर्ली 19th century में स्टार्ट होता है। तो बी के बाद तो सी का कॉम्बिनेशन सही है, तो बी सी का कॉम्बिनेशन अगर देख लेते हैं तो कहीं पे नहीं सिवाय एक यहाँ पे बी सी का कॉम्बिनेशन, एक यहाँ पे बी सी का कॉम्बिनेशन है, दूसरा डी ए का कॉम्बिनेशन यहाँ तो है नहीं, तो कुल मिलाकर ये वाला हो जाएगा बी सी डी ए। सॉरी, अब यहाँ तक दो कॉम्बिनेशन बन गया। अब आगे होगा कि इन द ओपनिंग सीन्स की तो बात नहीं होगा, द नोवेल इज सेट इन केंट एंड लंदन इन द अर्ली 19th century इन द डेपिक्स, ठीक है। इन डेपिक्स, डेपिक्स का मतलब यहाँ पे क्या, जो यहाँ पे दर्शाया गया है, जो नोवेल में दर्शाया गया उसी नोवेल की बात की, उसी के बारे में बात किया है कि इन डेपिक द पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्फन नेम पिप, ठीक है। इन डेपिक्स द पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्फन नेम पिप, पिप। तो उसमें क्या किया गया, इस ऑर्फन, एक ऑर्फन है जिसका नाम पिप है, उसका ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में यहाँ पे वर्णन किया गया। और उसमें एक चीज़ कहा गया कि जब ये ओपनिंग सीन्स होता है ना, सीन होता है जब नोवेल का, तो उसमें एक यंग बॉय होता है जो कि जिसका नाम पिप है, वो मेट एंड एस्केप कन्विक्ट इन ग्रेवयार्ड, जो कि कब्रिस्तान के वजह से वो देखकर वहाँ पे वो डर से कह सकते हैं वहाँ पे भाग जाता है ना। तो कुल मिलाकर ऐसे आपको अप्रोच लेना होगा, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या भाई, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। जस्ट लाइक एरर के तरह ये भी काम करता है। ही ट्राइड टू प्रिवेंट हिज फ्रेंड टू स्मोक, जब भी आपको प्रिवेंट दिखे ना भैया, तो आप क्या करना, प्रिवेंट के साथ जो प्रीपोजिशन लगता है ना, प्रिवेंट के साथ प्रीपोजिशन लगता है फ्रॉम, और फ्रॉम फॉलो करता है वर्ब का फोर्थ फॉर्म, तो फ्रॉम स्मोकिंग वाला कहाँ दिख गया, टिक करें आगे बढ़ें, ठीक है। चलिए एक नंबर ले जाएंगे आप यहाँ से। अब करना क्या भाई, मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम, सिनोनिम की बात कर रहा है। करंट का मतलब को आपको पता है क्या होता है, करंट का मतलब भी यहाँ पे क्या होता है, साइन में बताना। करंट का मतलब होता है कि हाल फिलहाल का भी होता है, हाल का, है ना, हाल का नहीं, हाल का, रिसेंटली जिसको कहते हैं हाल का। करंट का मतलब धारा भी होता है ना, करंट का मतलब और क्या होता है, बिजली वाला धारा भी हो सकता है ना। तो इस तरह से काफ़ी सारे मीनिंग होते हैं। तो यहाँ पे करंट का मतलब रिसेंटली की बात कहा गया, हाल का, तो इसका जो साइन होगा वो होगा प्रेजेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि इम्पॉसिबल और एक्सट्रीमली डिफिकल्ट अंडरस्टैंड। यहाँ पे एक OWS पूछा गया कि इम्पॉसिबल और एक्सट्रीमली, ठीक है, इसके बारे में आपसे पूछा गया है कि इम्पॉसिबल और एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं इनकम्प्रेहेंसिव, ठीक है, जो आसानी से समझ में ना आए। इनऑडिबल का मतलब क्या होता है, इसका तो आंसर बी होगा। अब इनऑडिबल का मतलब क्या होता है, इनऑडिबल का मतलब होता है जो सुनाई ना दे। इनएविटेबल का मतलब होता है जो अवश्य होने वाला, जो घटना अवश्य होने वाला हो, इनएविटेबल। और इनकॉम्पैटिबल का मतलब समझिएगा क्या होता है, बेमेल, जिसका कोई मेल ना हो, ठीक है। और इन
इनेविटेबल का मतलब अवश्य होने वाला, नोट करना चाहे तो नोट कर ले, अवश्य होने वाला, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते सवाल पे, फिलर। फिलर पे आते भैया कि यहाँ पे देयर वर नॉट इनफ टिन स्मिथ इन वियना टू डैश लालटेन फॉर स्ट्रीट लाइटिंग। यहाँ पे लालटेन की बात किया गया, तो लालटेन की बात हो रहा है, तो लालटेन में क्या किया जाएगा, लालटेन का क्या होगा, कंपोज नहीं होगा, एग्जीक्यूट नहीं होगा, कॉम्प्लीस नहीं होगा, बल्कि मैन्युफैक्चर होगा ना। इन वियना टू मैन्युफैक्चर द लालटेन फॉर स्ट्रीट लाइटिंग, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। फिर से रॉन्गली आया वर्ड, इससे देखिए इससे आपका वर्ड पावर ही मजबूत होता है, रॉन्गली स्पेल्ड आपको वर्ड पावर मजबूत कर रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे सैटेलाइट देखने से लग रहा है ये गलत, गलत है ही वाकई में, सैटेलाइट का स्पेलिंग होता है ए से टी ई होता है, ए नहीं होता है, एल आई टी, ठीक है। और इसका मतलब अगर जाना चाहे तो नोट कर सकते हैं, इसका मतलब होता है क्या है, पूरा करना या संतुष्ट करना, संतुष्ट करना। देखिए यहाँ से वर्ड पावर आपको मिला, संतुष्ट या पूरा करना। तो ये क्या सिखाया आपको, रॉन्गली स्पेल्ड क्या सिखाता है आपको, वर्ड पावर मजबूत कराता है, सैटिएट, सैटिएट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग पूछा गया है, मीन्स की बाइट योर टंग, ठीक है। एक यहाँ पे आपको इडियम फ्रेज पूछा गया, बाइट योर टंग का मतलब क्या होता है, बाइट मतलब काटना, योर मतलब आपका और टंग अपने जीभ को थोड़ी काट लेते हैं, इसका मतलब ये नहीं होता है, ठीक है। ये होता है कि स्टॉप योर सेल्फ फ्रॉम सेइंग समथिंग, कुछ कहने से अपने आप को रोकना, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर होगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ पे ग्रामेटिकल एरर वाला क्वेश्चन आ गया। तो आप जब सेंटेंस पढ़ेंगे तो सबसे पहले एक चीज़ नोटिस करेंगे, पहले मैं पढ़ देता हूँ, बिलियनर फ्लिप इन द ओनर ऑफ द लग्जरी याच लायनहार्ट विच वर्थ एन एस्टिमेटेड 150 मिलियन डॉलर, ठीक है। यहाँ तो हो गया कंप्लीट। तो एक चीज़ जैसे पूरा सेंटेंस पढ़ेंगे, एक बार रिलेटिव प्रोनाउन पे फोकस करें, ठीक है। तो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले एंटीसीडेंट यानी कि नाउन, अगर ये सिंगुलर हो तो वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। अगर ये प्लूरल हो तो वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल होगा, है ना। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, तो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो भी आपका सब्जेक्ट होगा, जो नाउन होगा या एंटीसीडेंट होगा, उसके अकॉर्डिंग होगा। तो यहाँ पे जब आप सेंटेंस पढ़ रहे हैं, द लग्जरी याच, नाम क्या है यहाँ पे, लाइन हर्ट, ये सिंगुलर है। अगर ये सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या होगा, ये वर्थ वाला जो वर्ब है, ये वर्थ ना होगा, यहाँ पे एस लगेगा, वर्थ्स, ठीक है। अब ये जाके सिंगुलर हो गया, तो आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए टाइप ऑफ डोम शेप्ड शेल्टर बिल्ट फ्रॉम ब्लॉक्स ऑफ सॉलिड स्नो। कह रहे हैं कि एक प्रकार का डोम जो कि गुंबद जैसा होता है, शेल्टर होता है, जो कि बिल्ड होता है, बना होता है ब्लॉक ऑफ सॉलिड स्नो से, एक मतलब कि सॉलिड रस्मों में इसके छोटे छोटे जो बर्फ का टुकड़े होते हैं उससे बना होता है, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं इग्लू कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनो। अब साइनो बताना है, जियो पैराडाइज का मतलब होता है क्या, जियो पैराडाइज का मतलब पहले नोट कर लीजिए, खतरे में डालना, खतरे में डालना, ठीक है, खतरे में डालना। और इसका साइनो भी होता है, इंपेरियल का मतलब यही होता है, थ्रेटन का मतलब ये होता है, हजार्ड का मतलब यही होता है, तो इसका अपोजिट होगा प्रोटेक्ट, रक्षा करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे लगे द मोस्ट अप्रोप्रिएट, फिर से आ गया मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग इन द गिवन इडियम। इडियम का जो है आपको बताना है अप्रोप्रिएट मीनिंग क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना, यहाँ पे टाइप मतलब कि क्वेश्चन जो था टाइप करना, यहाँ पे मिस्टेक हो गया, तो टिट फॉर टैट यहाँ पे लिखा हुआ है, हो जाता है कई बार, टाइपिस्ट जो है जो टाइप करते हैं उनसे कई बार छोटी मोटी गलतियां हो जाती है, इग्नोर कीजिएगा, क्वेश्चन तो मैं फिर लिख ही दिया हूँ, ठीक है। चीज़ें समझना इंपॉर्टेंट, टिट फॉर टैट, टिट फॉर टैट का मतलब होता है जैसे को जैसा, है ना, जैसे को तैसा, जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। टू डू हार्म एज डन टू यू, टू डू हार्म एज डन टू यू, जैसा करेंगे वैसा पाएंगे, मीन्स की डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल पे, इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेंस ग्रामेटिकल एरर। ग्रामेटिकल एरर आपको यहाँ पर डिफाइन करना है, ठीक है। अब ये देखिए, ऑन सेप्टेम्बर 11, 2001 टू हैजर्ड एयरक्राफ्ट क्रैश टू द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर इन न्यूयॉर्क, ठीक है। तो यहाँ पे टू हैजर्ड एयरक्राफ्ट क्रैश तो करता है, किसके सामने करता है या कहाँ करता है, टू द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर इन न्यूयॉर्क की ओर नहीं, बल्कि उसके अगेंस्ट, किसी चीज़ के अपोजिट या किसी चीज़ के अगेंस्ट में होता है चीज़ें, विपरीत कंडीशन, मीन्स की कह सकते हैं कॉन्ट्ररी कंडीशन यहाँ पे हो गया है ना। तो ऑन 11 सितंबर 2001
टू हैज दैट एयरक्राफ्ट क्रैश्ड अगेंस्ट होना चाहिए था, है ना, क्रैश्ड अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट क्रैश्ड हुआ है, यहाँ पे एक वर्ल्ड ट्रेड सेंटर था, ठीक है, उसी के अगेंस्ट ही क्रैश किया है, मीन्स कि किसी चीज़ के अगेंस्ट होना, किसी चीज़ के विपरीत होना, तो यहाँ पे क्रैश्ड अगेंस्ट होना चाहिए था, सी में यहाँ एट हंड्रेड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन हैव स्टार्टेड टू टेक डैस द प्रॉब्लम्स ऑफ बेस्ट मैनेजमेंट। अब म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को क्या करना चाहिए, स्टार्टेड टू टेक व्हाट, व्हाट करना चाहिए, किस चीज़ का प्रॉब्लम है बेस्ट मैनेजमेंट का, जो वहाँ पे कचरा जो प्रबंधन का जो समस्या है उसको क्या करना चाहिए, उसको यह संज्ञान में म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को लेना चाहिए, कॉग्निजेंस मतलब संज्ञान लेना, संज्ञान लेना कहने का मतलब यहाँ पे कह सकते हैं विचार अधिकार लेना, नॉलेज नहीं लेंगे ना, परसेप्शन कोई धारणा तो देंगे नहीं, अटेंशन क्या, अटेंशन आप वहाँ पे गड्ढा तो रही जो आप अटेंशन वहाँ पे देंगे, ध्यान देंगे चलते समय, ऐसा कुछ नहीं है, कोई ऐसी बातें पर अटेंशन देना नहीं, बल्कि संज्ञान लेना के सेंस होगा, ठीक है। यहाँ पे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पता है, गिवन बिलो आर फोर जम्बल सेंटेंस, फिर से आ जाइए अरेंजमेंट करना है, ठीक है, फिर से अरेंजमेंट वाला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ही से सेंटेंस शुरू होता नहीं, बिफोर से शुरू होगा नहीं, एज से होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी ही लिखा हुआ है, तो ही मीन्स की जरूर उसके पहले कोई ना कोई नाउन हुआ होगा, तो देखेंगे कहाँ से, वन फाइन मॉर्निंग, तो ए से तो कन्फर्म है कि ए से शुरू होगा, और ऑप्शन में देखा जाए तो ए तो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, अब ये दो में तो है, लेकिन फिर भी मामला फंसा हुआ देख लेते आगे, ठीक है। ए से स्टार्ट हो रहा है, ए हंटर, वन फाइन मॉर्निंग का हंटर वॉज गेटिंग रेडी टू गो हंटिंग, ठीक है, एक शिकारी है जो शिकार पर निकलने के लिए रेडी था, है ना, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, नाउन हो गया, अब नाउन के एक प्रोनाउन आएगा, तो कहने का मतलब रेडी टू गो, गो मतलब जाना, और यहाँ पे कह रहा है बिफोर डिपार्चिंग, इसी के बारे में बोला है कि जाने से पहले, डिपार्चिंग का मतलब जाने से पहले वो क्या करता है, ही वेंट टू सी हिज लिटिल बेबी हु वॉज स्लीपिंग क्रीप, तो ए के बाद तो कन्फर्म है कि ए के बाद तो डी आएगा ही आएगा, तो ठीक है, बिफोर डिपार्टिंग ही वेंट टू सी हिज लिटिल बेबी हु वॉज स्लीपिंग इन अ क्रीप, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अब दो अगर ऑप्शन, दो ही अरेंजमेंट से, दो ही पेयर से अगर आपका सेंटेंस का ऑप्शन के अनुसार मिल रहा है, तो आप टिक करके आगे बढ़ेंगे, समय नहीं बर्बाद करेंगे, फिर भी मैं बता रहा हूँ, वो क्या करता है, फिर क्या करेगा, एज ही डू सो, अब ऐसा क्या करा, ही डिड सो, अब इसके पहले कुछ ऐसा किया उसके बारे में बता रहा है कि ऐसा किया है, तो ही पुल्ड द ब्लैंकेट ओवर द स्लीपिंग चाइल्ड, हाँ यही तो किया है ना, क्योंकि यही चाइल्ड के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया है, इसी चाइल्ड के बारे में बताया यहाँ पे, तो ए के बाद क्या हो जाएगा, बी, और बी के बाद फाइनली हो जाएगा सी, और ऐसा इसलिए किया, एज ही डिड सो ही थ्रू ही थाउट, यहाँ पे थाउट होना चाहिए था, ही थाउट द ब्लैंकेट वॉज नॉट वार्म एनफ, है ना। चलिए तो ए डी बी सी, ए डी बी सी, ए डी बी सी, ए करेक्ट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते सवाल पे, करेक्ट एक्टिव क्या है, इंडिकेट फ्रॉम द सेंटेंस, क्वेश्चन मैं एक बार देख लेता हूँ क्या है, अच्छा इनडायरेक्ट नरेशन या नरेशन जिसको कहते हैं, डायरेक्ट नरेक वाले क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। इनडायरेक्ट फॉर्म, यहाँ पे इंडिकेट लिखा गया, इनडायरेक्ट फॉर्म में बताना है, इनडायरेक्ट नरेशन पर होंगे, डायरेक्ट नरेक वाला उसी को यहाँ पे बनाना है, क्वेश्चन यहाँ पे साफ लिखा हुआ है, द शॉपकीपर आस्क मी वेयर इज योर कार, एक तो डब्ल्यू वेयर का वेयर होगा और इज का यहाँ पे वॉज होगा, अब ये दोनों चेक कर लेंगे आंसर आपको मिल जाएगा, यहाँ पे वर मिल गया, वॉज मिल गया है, इज वाला होगा नहीं, इज वाला होगा नहीं, वॉज भी है। अब देखिए जब इनडायरेक्ट में बनाते थे क्वेश्चन वाला हट जाता है, मीन्स कि वर के बाद जो सॉरी वेयर के बाद क्या आना चाहिए, वेयर के बाद एक सब्जेक्ट आना चाहिए, तो सब्जेक्ट किसी में, वेयर के बाद सब्जेक्ट इसमें, इसको टिक करेंगे आगे बढ़ेंगे, क्योंकि वेयर के बाद यहाँ पे देख रहे हैं ना वॉज लगा दिया, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होता ये होता ही नहीं, तो तीन एलिमिनेट कर गए। चलिए फिर क्या भाई, यहाँ पे सेंटेंस इंप्रूवमेंट वाला क्वेश्चन आ गया, फटाफट देख लीजिए, सेंटेंस इंप्रूवमेंट वाला क्वेश्चन है, द बॉयज वर डिलाइटेड ऑन द आइडिया ऑफ गोइंग टू गोवा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कुछ ऐसे फिक्स प्रीपोजिशन जिनको आप रटिल या डिलाइट के साथ क्या लगता है, प्रीपोजिशन एट लगता है, एट किस में, इसमें है नहीं, नो इंप्रूवमेंट तो होगा नहीं, तो एट, अब देखिए एट एन आइडिया होगा या एट द आइडिया होगा, एट द आइडिया होगा, आइडिया कोई क्वांटेबल थ्योरी है जिसको हम ए और एन लगाकर उसको करेंगे, नहीं ना, बी होगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, फिर से पैसिव फॉर्मेट, देखिए एक्टिव पैसिव वाला क्वेश्चन यहाँ पे आ गया, तो एक्टिव पैसिव में क्या करते हैं, जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जो ऑब्जेक्ट उसको सब्जेक्ट बना देते हैं, द क्रिस्टैंथमम थ्रोन इन द अप्रैल 2019, तो यहाँ पे क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट होगा, द क्रिस्थैंथम, ठीक है, क्रिस्थैंथ
थेमम थ्रोन से स्टार्ट होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा है भाई? क्रिस्थेंथम थ्रोन। और इम्पोर्टेंट क्या है भाई, ज़रा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो जापानीज। अच्छा यहाँ पे देखिए एबडिकेट लिखा हुआ, बीटू है, तो यहाँ पे तो हम वॉज में इसको कन्वर्ट करेंगे। वॉज वाला है नहीं, वॉज वाला है नहीं। अगर वॉज है भी तो हमें क्या लाना था, पहले इसको सब्जेक्ट को यहाँ पे लाना था, ये भी है नहीं। तो कुल मिला के इसका डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द कैरिस्थम थ्रोन वॉज एबडिकेटेड बाई द जापानीज एम्परर अकीतो इन अप्रैल 2019। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है चलिए आगे बढ़ते सवाल पे। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। वर्ड कौन सा है? फिर से टाइपिंग यहाँ पे छूट गया है, मैं लिख देता हूँ। वर्ड वर्ड है एडियर। ठीक है एडियर का मतलब होता है कि पालन करना, पालन करना। इसका जो साइन होगा वो क्या होगा? कंप्लाई। कंप्लाई का मतलब होता है पालन करना। ठीक है तो गाइस वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है और बाकी जितने भी वीडियो है वीडियो का प्लेलिस्ट में जाकर देख लेंगे, सारा का सारा वीडियो मिलेगा। जितने भी क्वेश्चन बताए सभी में कुछ ना कुछ रोल है, कंटिन्यू रहेंगे, वीडियो देखते रहेंगे, रूल नोट करते रहेंगे। गारंटी मेरी, जब आपका पेपर होगा उस दिन 100% मार्क्स आपके आएंगे। बस इस वीडियो में बताइए, फिर नया वीडियो लेकर आऊंगा नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू वेरी मच।